पर्दाफाश का वक्त है। नवीन जय हिंद जो उनके पूर्व पति हैं स्वाति मालीवाल की जान खतरे में है, स्वाति के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। सवाल सबसे पहले उनकी चरणजीत चन्नी से पहले ये होता है, नवीन जय हिंद ने वो कैंडिडेट बनकर खड़े होते हैं, इलेक्शन कमीशन उनको खड़ा होने देता है, होम मिनिस्ट्री उस पर ऑब्जेक्शन नहीं जताती है, होम मिनिस्ट्री किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करती है, होम मिनिस्ट्री ने उनको जेल में रखा है, वो जेल से लड़ाई लड़ते हैं, फिर वो जीतकर भी आ जाते हैं, फिर वो ओथ भी हो जाती है उनकी, उनको बेल भी दे दी जाती है ओथ लेने के लिए, ये भी कहा है नवीन जय, और फिर उसके बाद वो सदन में आकर ना बोले तो सवाल क्या होता है। लेकिन फिर बड़ा खुला जनता ने करीब 20 लाख लोगों ने उनको वोट कर भेज दिया, आप लोगों ने उनको खड़े होने दिया चुनाव में, ये तो वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए था कि अगर वो सेपरेटिस्ट उनकी थॉट प्रोसेस है जो कि मैं भी कहती हूँ है, और जो हमारे देश विरोध काम है जो सेपरेटिस्ट एजेंडा चलाते हैं, उनको इलेक्शन में खड़े होने की इजाजत किसने दी जब वो ऑलरेडी जेल में थे। दुर्भाग्य इस बात का है, चलिए आप छोड़िए जो जेल में हैं और एमपी बनकर आए, दुर्भाग्य इस बात का है कि वो वोटर्स जिन्होंने उनको वोट किया या वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिन्होंने उनको शायद वोट भी ना किया हो, आज वो अनरिप्रेजेंटेड है पार्लियामेंट में। ये वैसे ही है जैसे जम्मू और कश्मीर के साथ इन्होंने किया इतने महीनों तक, और जम्मू और कश्मीर में आज तक आपने असेंबली नहीं हुई है, देखिए पहली बात इलेक्शन नहीं हुए हैं, आप समझ सकते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाने की जो कार्रवाई थी उसी पे अगर पाबंदी लगा दी होती तो एक रशीद इंजीनियर है जो जेल में बैठे हुए हैं और जीते हुए हैं, और एक ये है सवाल तो होम मिनिस्ट्री पे उठता है इस देश की, आप लोग ऐसे सेपरेटिस्ट को अलाउ करते हैं कि वो इलेक्शन लड़े, जनता में वो उन्माद फैलाएं, वो आकर वोट करें, वो उस वोट से वोट कर रहे हैं, सोच से वोट कर रहे हैं कि उनका समर्थन करते हैं, राजनीतिक मामला नहीं, तो आप जनता में ये आग जला रहे हैं कि हाँ आप ऐसे इंसान को वोट कर सकते हैं और ये पिटवाई जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी और मुख्यमंत्री सवाल छोटी बात है, जान का खतरा क्यों नहीं है भाई जब इतनी